नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे, अगर आप एक अपना मार्ट ओपन करना चाहते हैं, मिनी मार्ट खोलना चाहते हैं, एक स्टोर ओपन करना चाहते हैं, तो आपको क्या करना चाहिए, क्या क्या वो प्रोसेस हैं, सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। वीडियो पे बने रहिएगा। क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए, कई लोग इस कन्फ्यूजन में है, तो इस वीडियो में हम सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, मिनी मार्ट ओपन करने के लिए, किराना स्टोर ओपन करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें हैं, वो हैं आपका एक नॉलेज, आपका एक बिजनेस प्लान। आप अपनी किराना स्टोर, अपना एक ग्रॉसरी मार्ट ओपन करना चाहते हैं, तो आप देखो वैसे सबसे पहले लोकेशन की प्लानिंग करें कि भाई मुझे किस लोकेशन में ओपन करना है। मैंने अभी एक स्टोर देखा कि उन्होंने भैया अच्छा खासा पैसा खर्च किया, अपना एक अच्छा खासा बिल्डिंग बनाई और उस पर पूरा रैक वगैरह लगवाया, लेकिन मैं जब बाहर निकल के एरिया देखा तो वो एरिया एकदम आउटसाइड, टोटल आउटसाइड, वहाँ पे लोग ही नहीं जाते हैं, और पता नहीं उन्होंने वहाँ पे वो क्यों खोला, और वो मुझे नहीं लगता चलेगा। तो भाई देखो, सब लोकेशन बहुत ज़्यादा मेंशन करती, भले ही आपका कोई ज़मीन हो, लैंड हो, आसपास कहीं पे बना हुआ है ना, घर है, पर आप उस घर को ये तो देखें कि वहाँ पे लोग आते हों, लोग आते जाते हों, वहाँ पे थोड़ी भीड़ भाड़ रहती हो, लोग आते जाते रहते हों। अब आपने आपका घर है, जो ज़मीन है आउटसाइड है, बड़े ही कितना बड़ा वो हॉल हो, बड़े ही चार मंजिला में आप एक स्टोर ओपन कर लो, पर जब वहाँ पे लोग आएंगे जाएंगे नहीं, जब वहाँ पे लोगों के बीच में भीड़ नहीं बनेगी, तो कैसे आपका स्टोर रन होगा। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान देना चाहिए जब स्टोर ओपन करने के लिए। अब यहाँ पे क्या है, जब आप एक स्टोर ओपन करेंगे तो क्या किस चीज़ें लगेंगी, क्या चीज़ें लगेंगी आपको स्टोर ओपन करने के लिए। सबसे पहले तो आप दुकान, आपको देखो कितने बाई कितने की दुकान है आपकी, कितने बाई कितना शॉप का साइज़ है ना, तो साइज़ बहुत मैटर करता है। साइज़ देखो, साइज़ मान लीजिए 20x20 की आपकी एक दुकान है, या 20x60 की एक दुकान है, या 30x60 की, तो उसको पूरा मैपिंग करो, नाप लो पूरी साइज़, कितना साइज़ है उसका, कागज़ में ड्राइंग बनाओ, और फिर उसके बाद जब आप स्टोर बनाएंगे ना, रैक वगैरह लगवाएंगे, तो आप जहाँ से, मैं आपको रैक की एक नंबर दे दूँगा, उस नंबर पे बात करके रैक ऑर्डर कर लेना, वो डिज़ाइन आपको बना के दे देंगे, 3D डिज़ाइन, कि भाई आपकी दुकान में इस तरह से चीज़ें होनी चाहिए, वो खुद डिज़ाइन बना के दे देंगे, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। यहाँ पे अपना एक अच्छा मार्ट आप खुद बना सकते हैं, ठीक है। तो आप पूरा ड्रॉ करो कॉपी में और इस नंबर पे, व्हाट्सएप नंबर पे भेज दीजिए, वो खुद आपको ड्राइंग बना के भेजेंगे, 3D ड्राइंग, जब आप उनसे फ़ोन पे बात वगैरह करेंगे ना, तो एक 3D ड्राइंग उस साइज़ के हिसाब से कि आपके यहाँ पे इतने में सेंटर रैक लगेंगे, इतने में वॉल रैक लगेंगे, यहाँ पे काउंटर होगा, एंट्रेंस यहाँ पे होगा, पूरा एक मेज़रमेंट करके पूरा साइज़ बना के 3D में आपको दे देंगे। आप उसको देखें, खुद आप समझ में जाएगा कि हाँ ऐसा होना चाहिए हमारे साइज़ का। तो इसके बाद फिर आपको क्या है, रैक ऑर्डर कर देना है। जब आप रैक ऑर्डर कर देंगे, आपके पास खुद फिटिंग करने की कंपनी आएगी, रैक वगैरह आप खरीद लो, है ना, पूरी साइज़ बन जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। तो मैंने कई देखा कि इतने सारे वीडियो बनाने के बाद भी मेरे पास कई मैसेज आते हैं कि भाई हमारी ये शॉप है, हम इतने बाई इतने की मेरी शॉप है, अब उसमें कैसे खोलें। भाई बता तो दिया यार, आप पूरी प्लान बनाओ, रैक वगैरह इंस्टॉल करवाओ, सीधी सी बात काउंटर लगवाओ, है ना, पूरी दुकान की फिनिशिंग करवाओ, काम शुरू, सिंपल सा, और ज़्यादा कुछ नहीं है। तो यही चीज़ आपको फॉलो कर लेनी है जिसमें आपका फ़ायदा होने वाला है, जिसमें आप आगे काम कर सकते हैं, बढ़ सकते हैं। तो बहुत इजी है, बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं, बहुत सोचने का नहीं। अगर आप चाहते हैं ओपन करना, तो पहले सब चीज़ों का प्लान बना लें, कहाँ से आपको होलसेल से प्रोडक्ट ख़रीदना है, कहाँ से आप सामान लेना चाहते हैं, कहाँ से सामान लेके आएंगे, फिर उसमें ऑनलाइन अगर उसको ले जाना चाहते हैं, ऑनलाइन अगर उसको चाहते हैं कि भाई इसको ऑनलाइन भी बेचें, तो मोबाइल ऐप्स वगैरह भी आप बनवा सकते हैं। ऐप्स वगैरह के लिए आप हमारे दिए गए नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, आपको उसमें डेमो वगैरह मिल जाएंगे, है ना, तो कोई इशू नहीं, आप वहाँ से भी अपना काम जो है शुरू कर सकते हैं। बस यही सब चीज़ें जो हैं आपको आगे बढ़ाएंगी। तो फाइनली आप ये देखें कि आप किस तरह से आगे बढ़ना चाहते हैं, किस तरह से आपका जो स्टोर है बनाना चाहते हैं, आपके क्या एम्स हैं, आप क्या कुछ डिफरेंस रखेंगे अपने स्टोर में, कस्टमर के लिए क्या सुविधा आपके स्टोर में अवेलेबल होगी, कस्टमर जब आए आपके स्टोर में तो हाँ वो याद रखे कि भाई उस स्टोर में ऐसा है, एक ही बार में, यानी कि एक आपके स्टोर आए और फिर वो भूल जाए। आप कुछ अच्छी चीज़ अगर रखेंगे, कुछ एक पॉइंट ऐसा यूनिक पॉइंट रखेंगे जो कस्टमर को लुभा दे, भा दे, तब वो कस्टमर रिपीट होगा। रिटर्न अगर कस्टमर नहीं हो रहा है तो वो सबसे ख़राब बात होगी, क्योंकि वन टाइम तो कस्टमर को आप बेच देंगे, लेकिन दोबारा अगर कस्टमर नहीं आ रहा तो वो गड़बड़ चीज़ हो जाएगी। तो रिपीटेबल ज़रूरी है कस्टमर के लिए, कस्टमर रिपीट होने चाहिए। तो क्यों, उसके लिए रिपीट कैसे होगा, उसके लिए कुछ आपको पॉइंट देखने पड़ेंगे, कुछ ऐसे चीज़ें रखनी पड़ेंगी जो कस्टमर को लुभाएं, कस्टमर को भाएं, तभी तो कस्टमर आपके पास आएगा। बस ये सारी चीज़ें सोचना है, समझना है, और ज़्यादा आपको चाहिए कि मेरे को और चीज़ें सीखना है, फिर आप जाओ किसी मार्ट, मिनी मार्ट में चले जाओ,
जो पहले से कोई सुपरमार्ट चला रहा है वहाँ पे जाओ, 2-3 घंटे वहाँ पे बिताओ, रहो, घूमो, देखो कैसे उन्होंने स्टोर बनाया है, सामान कैसे जमाया है, लिस्टिंग कैसे की है, बिल कैसे काट रहा है वो, कितने कर्मचारी हैं, कर्मचारियों का तरीका कैसा है वहाँ पे, और जो ऑनर है वो किस तरह है ना, एंट्रेंस कैसा है वहाँ पे, गेट कैसे हैं, सब चीज़ें वहाँ पे ऑब्जर्व करोगे 2-3 घंटे, 4 दिन आप वहाँ डेली जाओ, आपको खुद ब खुद सुपरमार्ट की बहुत सारी चीज़ें नॉलेज सीख जाओगे। कोई इसका कोर्स नहीं होता है कि कोई इसको सिखाए, क्योंकि सुपरमार्ट बिजनेस भाई ऐसा बिजनेस है कि शुरू करो, है ना, शुरू करने के बाद धीरे धीरे खुद सीखते जाना, कि ट्रेडिंग करना है भाई, सिंपल होलसेलर से प्रोडक्ट ला के रखो, रिटेल करना है आपको, प्रोडक्ट बेचते जाना है, बहुत यही सब चीज़ें हैं। अब इसको आप चाहे छोटे लेवल में करो चाहे बड़े लेवल में करो, बड़े लेवल पर करोगे तो आप अकेले नहीं कर पाओगे, छोटे लेवल पर करोगे तो सिंगल में कर सकते हो, बड़े लेवल पर और आपको वर्कर लगेंगे, काम करने वाले एम्प्लॉय लगेंगे, ये सब चीज़ें हैं। तो भाई यही सब चीज़ें हैं यार, घबराने की कोई ऐसी ज़रूरत नहीं। आप चाहते हैं कि आपका खुद का एक मार्ट होना चाहिए, एक सुपर मार्ट होना चाहिए, तो हमने अपने चैनल पे बहुत सारी ढेरों वीडियो बनाई हैं, और नीचे रेड कलर का बटन है उसको भी आप अगर दबाएंगे तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़ जाएंगे। तो बस नीचे रेड कलर का बटन दबाइए, हमारे चैनल के साथ जुड़िए, और ऐसी इन्फॉर्मेशन, इन्फॉर्मेटिव बातें पाते रहिए, ज़रूरी चीज़ें समझते रहिए। बस क्या है यार, बिजनेस मोटिवेशनल स्टार्टअप की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें।